रुक क्यों गई मेरी मुमताज? गले लग जा तू मेरे, आजा आजा मेरे गले लग जा तू मेरी मुमताज। किसे देख रही है? मेरे चाचा नीलमणि को। रहने दे उस काले कौवे को, उसे सुंदरियों के बारे में कुछ पता नहीं। क्यों पास आकर एक चुम्मी दोगी? अरे बाप, अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, हम लोग गड्ढे में गिर गए, बचाओ बचाओ। तू गड्ढे में गिरा? बचाओ, गड्ढे में गिर गए, अरे कोई बचा, कोई अपक हां हां। क्यों रे, मैं काला कौवा हूँ और ऊपर से लड़कियों के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ए सिनेमा वाली के बारे में सपने मत देख, ख्वाब से बाहर आ जा और जाके चाय बना। ऐसे घूर क्या रहा है, जाके अपना थोबड़ा शीशे में देख। तुझे पैदा करने से बेहतर था कि मेरे भाई ने गधा पैदा किया होता। आजा खटिए के साथ ही उठा कर ले चलते। ये आदमी खटिए के साथ कहाँ गायब हो गया? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, हे, अरे चाचा जी सो रहे थे, कहाँ गायब हो गए? वो थे क्या? मैंने सोचा तू है, उनकी तबीयत खराब है क्या? खटिया के साथ उन्हें ले जा रहे थे। क्या बोला? खटिया के साथ लेकर जा रहे हैं? कौन लेकर जा रहे हैं? मुझे क्या पता कौन है? हा? वो तेरा नाम ले रहे थे। अरे बाप रे, फिर कोई कर्जदार आया होगा। किस तरफ लेकर गए उन्हें? वो इस तरफ गए। हे, मैं जाकर देखता हूँ, तू अपने आदमियों को लेकर आ। सुन, क्या कर रहा तू? मार मत उसको। तू इधर, तो फिर ये कौन है? ये कृष्णा के चाचा है। अरे मैं फंसा। अरे चाचा के देखने के पहले भाग जा। एक बार उनको सॉरी बोल के आता हूं। छोड़ यार, फंसा के मार के सॉरी बोलता है, भाग जा। अटक गया हूँ मैं। क्या कर रहा है? ठीक से निकाल ला। मेरी तो मुझे मारने आया था ये, अब तुझे बताता हूँ मैं। ए आ जाओ आ जाओ, मैं तुझे चबा जाऊंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। मारो इसे, मारो। अरे एक मिनट रुक जाओ, मर जाएगा ये। मर गया तो हम पर खून का केस हो जाएगा। एक मिनट, इसका जरा चेहरा देखते, कौन है ये? अरे चेहरा किधर गया? हाँ किधर गया? ए, ये तो पीछे का हिस्सा है, इसे जरा सीधा कर, चल उठा। वैसे बड़ा हिम्मत वाला लगता है ये। तू पापी इंसान कहीं का, तो तू मुझे मारने की कोशिश में लगा हुआ था। चुप रहिए चाचा जी, पागल जैसे बात कर रहे हैं। मैं पागल? नहीं तो मैं पागल हूँ जो आपको मारने जाऊंगा? दो किडनैपर सबको उठा करके ले जा रहे थे, इसने बताया मुझे। यस बॉस, वो दो लोग आए थे यहाँ पर। अरे बाप रे, बॉस बॉस बॉस, क्या हुआ रे? वो आ गए हैं, किडनैपर्स फिर से यहाँ पर आ गए हैं। किडनैपर्स आ गए? कहाँ पर हैं? वहाँ पेड़ के पास खड़े होकर आपको उठाने का प्लान बना रहे हैं बॉस। चलिए दिखाता हूँ। कर रहा है अंकल के दुश्मन, छोड़ मुझे। बचाने के लिए बोला तो तू मुझे दिखाने ले जा रहा है। देख यहाँ खड़ा मत रहे, तू जल्दी से डंडा उठा और उनके पीछे जा। मैं अंदर बैठा हूँ, जो कुछ भी होता है आकर मुझे बता। जा जल्दी जा। मैं अकेला जाऊं? इनमें से कौन सा डंडा उठाऊं? ये वाला? नहीं नहीं ये, हाँ ये ठीक है। भूत, भूत की तरह यहाँ आकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे तू? कौन मैं? कि आप हाथ में इतना बड़ा घड़ासा लेकर के आप खड़े हैं? मैंने बताया था ना, वो अप्रेंटिस वाले यही लोग हैं। कौन लोग हैं? हैं? ए इधर आना। चाचा जी वहाँ क्या देख रहे हैं घड़ासा पकड़कर? क्या हुआ, पंचर हो गए क्या? हाँ
लगता है डर के भाग गए। सुन भतीजे, इस डंडे को मजबूती से पकड़ और एक ही वार में उसको खत्म कर देना। किसको? अरे उन्हीं लोगों को, अप्रेंटिस को भी ले लो। अप्रेंटिस नहीं चाचा, अप्रेंटिस, APPR। अरे चुप, मुझे सिखा रहा है, मैं कोई एग्जाम देने जा रहा हूँ जो मुझे पढ़ा रहा है। ए, दोनों एक एक डंडा उठाकर मेरे साथ आओ और मेरी मदद करोगे जब मैं उसे काटने वाला होऊंगा। यही तुम लोगों की पहली ड्यूटी है, चलो आ जाओ। यार ये किसको मारने की बात कर रहे हैं? जो दिखेगा उसी को टपका देंगे, पहली ड्यूटी है ना। अरे बाप रे, बॉस को पता नहीं है कि किडनैपर्स उसका पीछा कर रहे हैं। इससे पहले कि वो लोग बॉस को निपटा दें, मैं ही उनको निपटा देता हूँ। वो देख, वहां जा रहे हैं वो। अरे रे रे रे, वो तो रुक गया। ये क्या, इतनी जल्दी बॉस को निपटा दिया क्या? अरे भाग जाएगा तो छोड़ देंगे क्या? कम ऑन चार्ज। hey, अपने सेंटी लोग संभल के चलो। सॉरी सॉरी। आओ बेटे आ जाओ। उस दिन बॉस को खटिया के साथ उठाकर ले जाने वाले तुम ही लोग हो ना? तुम लोगों को खत्म करने के लिए ही मैं और मेरा बॉस तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? खत्म कर दो इसे। चल चंदू। मर गया क्या? ए, एक और आदमी था ना साथ में, किधर है वो? क्या हुआ? गोपाल। गोपाल, अरे इसको क्यों मारा? तेरे चाचा ने तो मारने को कहा था। क्या कर रहा है? अरे अक्कल है कि नहीं? कैसे ब्रेक लगा रहा है? ब्रेक लगा रहा है कि झंड में धक्का दे रहा है? क्या हुआ, शोर क्यों कर रहे हो? बंगले को रंगने के लिए हम आने वाले थे तो भी गेट बंद कर रखा है, आलसी। हाथ दे। ये ड्राइवर भी ना, अगली बार तू गेट पर दिखाना तो तुझे निचोड़ दूंगा। Hey, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये किसी पैलेस से कम नहीं है और यहाँ रहने वाले लोग राज परिवार से कम नहीं। हमारा काम अच्छा लगा तो हम ऊपर। तू नीचे क्या कर रहा है? ये बंदर की तरह क्या उछल कूद कर रहे हो? ये देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सुनो, अब से सुई पटक सन्नाटा होना चाहिए, सारा सामान गाड़ी से एकदम आहिस्ता उतारना, ठीक है? ये क्या कर रहा है? मैंने समझाया था ना तुझे, अभी अभी तो बताया था। कितने पापड़ बेलने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट मैं इनसे हासिल कर पाया हूँ। मेरे 1,00,000 रुपयों पर पानी फेरने का इरादा है। अरे अरे नामाई को फकल के दुश्मन, मेरे पैर से दुश्मन ही है क्या? सबके सब उछलम कूदम जय महमूदम बने हुए हैं। इन अप्रेसेंटियों ने तुम्हें बिगाड़ दिया है, रहो इनके साथ, पगार चाहिए इन्हें। हम उसकी गाली और नहीं खाने वाले, हम लोग जा रहे हैं। क्यों यार, तुम तो 1 महीने बाद जाने वाले थे। हाँ हाँ, हम लोगों को यहाँ 1 महीना रुकना ही पड़ेगा। एक महीना? मैं नहीं रहने वाला। अरे यार कम से कम 15 दिन तो कुछ नहीं, मैक्सिमम 3 दिन, उसके बाद निकल जाएंगे। ये मीटिंग काहे की है? सामान रखने को बोला था ना। ये लुक किसे दे रहा है तू? चल जा। ये अपने आप को सुपरस्टार विजय समझ रहा है। लेके जाना, खड़ा है चुपचाप। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा के ही रहेगा। क्या है ये? मुझे तो देसी लग रहा है। आप गलत सोच रहे हैं, वार्निश है। सारी बेकार की चीजें लेकर आए हो। अगर 1 मिनट में ये सब साफ नहीं हुआ ना तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। बस अभी क्लीन करवा देता हूँ साहब। अरे वो कल के दुश्मनों, सामने दिख रहा है ना, जल्दी साफ कर। ये अभी हो जाएगा साहब, अभी साफ हो जाएगा। ये पागल यहाँ पर क्यों आ गया है? इसे पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? ए मैनेजर, ए सुरेश कुमार,
मैं आ गया जी। अरे बाप रे, काम से। अरे निकालो, उठाओ, निकालो। इतने बड़े सामान को अकेला उठाएगा है क्या ये? हाथ निकाल। पता नहीं क्या है बॉस, हिला भी नहीं पा रहा। लगता है बॉम है, टिक टिक की आवाज भी आ रही है। ये तो समय का पिंजरा है, इसको बंद करके क्यों रखा है? ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ए सुनो सुनो सुनो, इधर इधर, ये घड़ी महंगी है, इस पागल से इसे बचा कर ले जाओ, जरा अंदर रखो, ले जाओ, देख क्या रहे हो, ले जाओ। ए उठा भाई, ए इधर आ चंदू, आ जा। ये कहाँ चला गया? ए रुक रुक, मैं आ रहा हूँ। हाँ उठा आराम से। मेरा हाथ क्या है? चार स्टेप नहीं चले उतने में ही हाथ गया कर रहा है। और ये हाथ में क्या पकड़ रखा है? तिल का तेल। तिल का तेल, वो किस लिए? इसने कहा था तिल का तेल लेकर आओ, इसलिए लेकर आया हूँ, ये लो। फेंक दे उठा के। वहाँ क्यों फेंका? तुमने कहा था ना उठा के फेंक, तो फेंक दिया। पागल है क्या, इसे ऐसे रास्ते में फेंकते हैं? कोई गिर गया तो क्या होगा? तेरी तो साफ कर, साफ कर। जा भाई, आ जा उठा। चलो ए, रुक जा, मैंने पकड़ा नहीं है अभी। ए, ऐसे पकड़ते क्या? तोड़ दिया ना आखिर। मैंने पकड़ा ही कहा, तुम लोगों ने पहले ही उठा दिया था। करेक्ट, उसने नहीं पकड़ा था, मैंने देखा। देखा तो बोला क्यों नहीं तूने? बॉस कहते हैं काम के समय बोलना नहीं चाहिए। तुझे तो अरे ये क्या कर डाला, इतनी महंगी घड़ी को तुम लोगों ने तोड़ डाला, बर्बाद कर दिया। तुम लोग काम करने आए हो कि सत्यानाश करने? कैसे आदमी हो तुम लोग। अब तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कैंसल। इतना शोर क्यों हो रहा यार? तुम लोगों ने एक पल में तोड़ दिया। ऊपर वाले, इतनी पुरानी है, मैं तो सोच रहा था काफी महंगी हो। तुम गधे हो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मेरे दादा परदादा के जमाने से इतनी हिफाजत के साथ चली आ रही थी ये घड़ी, इसे तोड़ दिया, अभी इसे कौन लेगा भला? हाँ, सही कहा, इसके बाद इसको कोई नहीं लेगा। अरे तू अपना मुंह बंद करना साहब, हमें माफ कर दीजिए ना साहब। माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दो इसे। सुंदर कुमार, मैं आ रहा हूँ। तू लगता है धक्का मुक्की करके पैदा हुआ था, अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है। क्यों होता है पता नहीं, दौड़ के आता हूँ तो पैर स्लिप हो जाता है, डॉक्टर को जाके दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जा, लेकिन टांगों के लिए नहीं, अपनी आंखों के लिए। बिना देखे तेल पर पैर रखेगा तो फिसलेगा, नहीं तो क्या उड़ेगा? हाँ तेल, एए, वहाँ तेल किसने गिराया? और ये किसने तोड़ दिया? किसी ने तोड़ा नहीं है साहब, लड़के लोग संभाल के उठा रहे थे। जैसे आपका पैर स्लिप हो गया ना, वैसे इनका हाथ स्लिप हो गया। मालिक, इन लोगों को एक मिनट भी यहाँ नहीं रहने देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कीजिए और तुरंत इन्हें भगाइए। और इनसे टूटी ही चीजों का पैसा तेरा बात देगा क्या? जब तक इनसे वसूल नहीं कर लेते तब तक इन्हें घर छोड़कर जाने मत देना। अरे साहब, साहब ये क्या कह रहे हैं आप? हम लोग बहुत गरीब आदमी है साहब, हम पर दया कीजिए साहब, दया। बिजनेस दया से नहीं चलता है, तो जल्दी से आके वाउचर पे साइन कर दे, बचा कुछ हिसाब बाद में देखेंगे। साहब, ए, अगर आप किसी ने इसे छुआ तो हाथ काट दूंगा। अब क्या हुआ? लगता है कुछ तोड़ दिया। ये कैसे हुआ? टूटी वाली घड़ी है। अब जाइए, मैं आकर साइन देता हूँ ना, आप जाइए जाइए। निकल यहां से, तू भी निकल, जल्दी निकल। अप्रेसेंटी, क्या हुआ, दुख हो रहा है? तुम्हें क्यों दुख होगा, कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पे है, मुझे होगा। चल निकल निकल यहाँ से। तुम लोगों को साथ लाकर बहुत बड़ा पाप किया मैंने। अरे इतना बड़ा नुकसान कर डाला, क्या होगा मेरा समझ में नहीं। क्या हुआ चाचा जी? कुछ नहीं हुआ, तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ। चलो भाई, आके संपत्ति दिखा रहे अप्रेसेंटी कहीं के। ए सब लोग इधर आओ। ए सुनो, तुम इधर आओ और तुम भी आओ, आओ। अरे आओ ना जल्दी, तुम्हें अलग से बुलाना पड़ेगा क्या? ए वो हथौड़ी इसको दे, तुम लोग जाओ फर्नीचर उठा के रखो, जाओ
अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्यों रुक गए? तुम जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? आपने तो उठाकर रखने के लिए बोला। अभी तोड़फोड़ से दिल नहीं भरा? फर्नीचर को अगर हाथ भी लगाया ना तो पहली अर्थी तेरी उठेगी। दीवाल में जो बेकार किले हैं उनको निकाल। और तुम अच्छी किल और बेकार किल कैसे पता चलेगी? तो जो भी निकालेगा सारी किले बेकार होंगी। अभी जल्दी जा। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? कील निकाले। तुम लोग मुझे पागल कर दोगे। वापस आओ। ऐसा है? अरे तू क्यों आ गया? टॉर्चर कर रहा है मुझे। अरे आप ही ने तो वापस आने के लिए बोला था। आने के लिए इन्हें कहा था? तुझे नहीं कहा? चल जा ऊपर। अभी दिखना नहीं मुझे यहाँ। अरे जाता हूँ ना। एक काम ठीक से नहीं होता। अरे तुम लोग ऐसा लगता है कि मेरी जान लेके रहोगे? हे, चलो इधर आओ। हे, ब्रश इसको दे। चल तू खरोच। और तू इधर आ, जल्दी से अंदर जा। हे, तू इसकी निगरानी कर। हाँ, ठीक है। हे, पहुंचना। नीचे पहुंचना। अरे फर्श पोछने के लेकर आऊं, ये लोग मेरी जान लेके रहेंगे। ए, जरा धीरे धीरे कर, क्योंकि दीवार को दर्द होगा। अरे हाथ जरा तेजी से चलाना, कैसे लोग मेरे पाले पड़ गए। अरे क्या हुआ चाचा जी? इसे क्या हुआ? इस गधे ने इनकी खोपड़ी में हथौड़ी गिरा दी। जानबूझ के थोड़े गिराई, गलती से गिर गई। इसकी सांस नहीं चल रही है, जा पानी लेकर। मेरे पास पानी है, डाल दो। नहीं नहीं नहीं, ये गंदा पानी है। अच्छा पानी लेकर। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। चाचा जी के सर पे हथौड़ी गिर गई। हे, इसकी बात मानकर मैंने तुम लोगों को काम पर रखा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मुझे तो अच्छी तरह से धोना चाहिए। हे, इन लोगों पर नजर रखना। ओके बॉस, ये काम नहीं करेंगे तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा। एक दूंगा भी। मैंने ऐसा कहा क्या? ये लोग काम ना करने पाए ये ध्यान देना है तुझे।